दो सन्यासी किसी को तंग नहीं क्या करते राजकुमारी, तू तो आप पे आप तंग हो रही है, अपने आप ही तो तंग हो रही हो, तू साथ सुन ले मेरी बात भी और से। ए कोई सुतरा रात कवार ढूंढ मेरी भक्ति मेरी बात सुन ले। हाँ। हम साधु सन्यासी हैं। हाँ। और हम कैसे रहते हैं, कैसे रहना होता है तुम्हें मालूम नहीं है इस बात का। अच्छा। क्योंकि आप हमारे जीवन के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन के बारे में जान लोगी तो सब कुछ भूल जाओगी, क्योंकि हम बहुत बड़े राजा थे। अच्छा। और राजा की संतान भी है। अच्छा। हाँ, हमने बहुत ऐसा राम देखे हैं, लेकिन अब हम साधु बन गए हैं, केवल भगवान का भजन करते हैं, आपके द्वार पर भिक्षा खुआ है, भिक्षा दीजिए, कहिए क्या। भिक्षा नहीं मिलेगी, पहले शादी कर। शादी नहीं कर सकते, कह दिया आपसे बार बार। सुन मेरी बात, सुनाइए। वो भी
दोस्तों पे सम्मान करते हैं परम आदरणीय हमारे पप्पू नंबरदार जी खेड़ा मरार से, जिन्होंने पहले भी बहुत सम्मान किया, वो भी 200 रुपए से सम्मान आशीर्वाद देते हैं, बार बार धर्म करते हैं। आइए सजनों, दूसरी बात के माध्यम से कवि महोदय ने क्या बता दिया, क्या किया। बिल कर गया इने आँखों के पानी का, मुझे तो भस्म करेगा गुरु, तू भी भस्म हो जाएगी, पीछे हो जा। ना ना ना, मन तेरे नगर में, मन तेरे नगर में भस्म करे तेरे गुरु बोल ज्ञानी, सौदा हो सकू खड़ी तरंग सम्मान आशीर्वाद दिया, फिर से 100 रुपए से आशीर्वाद सम्मान देते हैं, भाई के लिए बार बार धर्म करते हैं। क्या कहना चाहते हो राजकुमारी, सुनिए मेरी बात। संत जी, जब से मैंने आपको देखा है, ना तो मुझे खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना ही सोना अच्छा लगता है, सिर्फ आपके ही बारे में सोचती रहती हूँ कि आपसे कब शादी होगी। मेरे बारे में मत सोच, क्योंकि तैने 1700 साधु पहले मार दिए हैं। हाँ, तू तो बोल बिल्कुल कातिल है। वो तो अच्छा हुआ आपने अपना नाम बता दिया। अच्छा, वरना मेरे भी कत्ल कर देती। आप भी जाते ऊपर ही। इतने कत्ल करके मुझसे शादी करना चाहती है डायन? अरे आपके इंतजार में इतने सारे साधु मार दिए मैंने। अच्छा, और आप शादी के लिए इनकार कर रहे हो? शादी नहीं करूंगा, चाहे राजकुमारी अभी मेरा कत्ल कर दे, लेकिन शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचूंगा। अरे आपका कत्ल नहीं करूंगी मैं। अच्छा हाँ। चाहे आपके गुरु के पास मुझे क्यों ना जाना पड़े। अच्छा हाँ, बिल्कुल पक्का इरादा है। पक्का, चल के क्या कहना चाहते। सुन मेरी बात, तन सत्रह सौ जोगी मारे है कोई ऐसी।
क्या करवाऊं मूड़ नहीं एक थैली जिन्होंने बहुत सारा इनाम पहले भी दिया और वो फिर से 500 रुपए से श्रेणी पर आशीर्वाद सम्मान देते हैं। एक बार भाई के सम्मान में जोरदार तालियां साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई के लिए। आइए क्या बता दिया। और आदरणीय कालू रावत जी जो मुंडन वास से हमारे बीच में है, बड़े ही अच्छे श्रोता है, सभी कलाकारों से बड़ा ही मान सम्मान दिया करते हैं, सभी को बड़ा ही प्यार करते हैं, 100 रुपए से मान सम्मान किया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मुझसे शादी कर लो लेकिन आपने हाँ नहीं भरी। कभी भर भी नहीं सकता। क्यों? सपने लेने छोड़ दे, हम साधु सन्यासी हैं, हम साधु हैं, रणवे नहीं है। अच्छा, सन्यासी है, संत महात्मा। संत महात्मा? हाँ। अच्छा जी। हाँ, संत महात्मा तो बहुत सारे हैं, अब भी हमारे देश में भी हैं, आसाराम वो भी संत ही है। शादी उन्होंने भी नहीं की लेकिन फिर भी करी है शादी। करी है? हाँ। ना ना ना, वो साधु नहीं है। और कौन है? वो कुछ और ही है, उनके औलाद भी है। अच्छा, और हाँ तो आप भी ऐसे ही कर लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना ऐसा संत। अच्छा, हाँ आप पक्के साधु हो? बिल्कुल। आपके गुरु के पास अगर मैं चली जाऊँ, हाँ, तो फिर आप मेरे से शादी करोगे? अगर गुरु का जो आदेश होगा कि बेटा अपना सर काट के हाजिर कर दे। अच्छा, गर्दन काट देंगे। अच्छा जी, कहिए क्या कहना चाहते। सुनिए मेरी बात। वो भंडारा हम अपने खुद करते हैं कि
केवला भिक्षा के लिए आए हैं। अच्छा हाँ, ऐसा खाना नहीं खाते। हे मैं भूखा बंगाली बाबा, तू राजा की छोरी।